रोजा इस्लाम के स्तंभों में से चौथा स्तंभ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का आधार पांच चीजों पर है तथा उनमें से आपने रमजान मास का रोजा रखने का उल्लेख किया। रमजान का रोजा हर समझदार सक्षम वयस्क तथा घर पर रहने वाले मुस्लिम के लिए वाजिब व अनिवार्य है। नंगी आंखों से या आधुनिक मशीनों से चांद को देखने से रमजान सिद्ध होता है, किंतु यदि रमजान का चांद दिखाई ना दे तो शाबान के 30 दिन पूर्ण करने पर रमजान का महीना आरंभ होगा। इस विषय में खगोलीय गणना का कोई मतलब नहीं है। रोजा रखने का इरादा रात में किया जाना चाहिए तथा महीने के आरंभ में ही पूरे महीना के रोजा की नियत कर लेना पर्याप्त है, जब तक कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए जिसके कारण रोजा की निरंतरता बाधित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में नियत को नवनीकृत करना होगा। रोजा रखने वाले के लिए भोर होने से लेकर सूर्यास्त होने तक रोजा तोड़ने वाली चीजों से बचना अनिवार्य है, और जिसने यह सोचकर खाया या पिया कि अभी रात बाकी है तथा भोर नहीं हुआ, इसी प्रकार से जिसने यह समझकर खा लिया अथवा पी लिया कि सूर्य अस्त हो चुका है, फिर बाद में पता चला कि ऐसा सोचना समझना गलत था, तो उसका रोजा सही एवं वैध है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मती की गलती भूल चूक तथा जिसके करने पर उन्हें विवश किया जाए सभी को माफ कर दिया है।